राठौर डीजा हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र एवं राज्य सरकार के ट्रेड यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से रैली आयोजित करते हुए नुक्कड़ सभा का किया गया आयोजन। नुक्कड़ सभा में श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर श्रमिक नेताओं ने सरकार को लिया आड़े हाथों। निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट द्वारा शहर में औचक निरीक्षण करने पर कार्य पर अनुपस्थित सफाई कर्मचारी एवं हाजिरी रजिस्टर में छेड़छाड़ मिलने पर एक निगम स्वास्थ्य कर्मचारी को किया निलंबित। स्वास्थ्य अधिकारी सहित 3 सफाई कर्मचारियों को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। रतलाम संसदीय क्षेत्र के जोबट क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका के साथ भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के परिजनों द्वारा किए गए दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष पर हुआ प्रकरण दर्ज। पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा, हम डरने वाले नहीं, पीड़िता को दिलवा कर रहेंगे न्याय। घर के बाहर अपनी बच्ची के साथ सो रहे पिता की कुल्हाड़ी मारकर की अज्ञात समीप सो रही पत्नी को भी नहीं पता चला हत्या का। रावटी थाना पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी। परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगाने शव लेकर पहुंचे। एक मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में श्रम संगठनों द्वारा अलकापुरी चौराहे से एक रैली का आयोजन किया गया। रैली में श्रम संगठनों के सदस्यों के साथ पदाधिकारी शामिल हुए। विश्व मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में श्रम संगठन द्वारा स्थानीय अलकापुरी चौराहे से एक रैली का आयोजन किया गया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद चौक पहुंची, जहां पर श्रम संगठनों के पदाधिकारियों ने रैली में आए सदस्यों को संबोधित किया व नारेबाजी करते हुए शासन की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जब उन शहीदों के लाल कपड़े हो गए थे, उन कपड़ों को लहराया था, उस समय से लाल कपड़े का जन्म हुआ है। 1926 से कम्युनिस्ट पार्टी का उत्तरण हुआ है। साथियों, कितने वर्ष है, हम आपको ऊपर के जो डायरेक्टिव आए उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। इस सरकार ने करोड़ों सीनियर सिटीजन के अधिकारों को छीने। इसे बदला जिसका नक्शा उनको लाल सलाम है, जो जनता को आजादी रोटी रोजी से दे सके, जो जनता को आजादी की रोजी रोटी दे सके। कहने को तो नगर निगम सफाई व्यवस्था पर लाखों रुपए यह प्रति माह खर्च करता है, वही सैकड़ों सफाई कर्मचारी एवं दरोगा भी रतलाम की सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन निगम दरोगा और स्वच्छता अधिकारियों की पोल उस वक्त खुल गई जब निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने नगर में सफाई व्यवस्था का सघन निरीक्षण किया एवं दरोगाओं की हाजिरी रजिस्टर के साथ में सफाई कर्मचारियों की गणना की। निरीक्षण के दौरान हाजिर रजिस्टर में कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली, वहीं मौके पर सफाई कर्मचारी भी नदारद मिले। इसके बाद निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने कार्यवाही करते हुए जोन क्रमांक 4 में पदस्थ उप स्वच्छता पर्यवेक्षक शरद खरे द्वारा सौंपे गए कार्यों में लापरवाही बरतने व सफाई संरक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने में अनियमितता करने पर निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने शरद खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया तथा स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, जोन प्रभारी विनय सिंह चौहान व वार्ड 34 के प्रभारी कमल शिंदे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। निगम आयुक्त ने जोन क्रमांक 4 में पदस्थ उप स्वच्छता पर्यवेक्षक शरद खरे द्वारा सौंपे गए कार्यों में लापरवाही बरतने व सफाई संरक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने में अनियमितता करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक शरद खरे द्वारा जोन क्रमांक 4 एवं वार्ड 34 के प्रभारी कमल शिंदे द्वारा वार्ड 34 व जोन क्रमांक 4 की उपस्थिति पंजी में अनुपस्थित सफाई संरक्षकों की उपस्थिति दर्ज कर पंजी में कांटछांट
ओवरराइटिंग कर सफाई संरक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने अनियमितता करने पर स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, जोन प्रभारी विनय सिंह चौहान व वार्ड प्रभारी कमल शिंदे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। पिछले दिनों युवक कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। उक्त प्रेस वार्ता में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं उन्होंने जोबट क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बालिका के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भाजपा की लोकसभा संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के रिश्तेदारों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उक्त मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं पूर्व युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया पर दुष्कर्म पीड़िता की आइडेंटिटी बताने के मामले में प्रदेश शासन ने प्रकरण दर्ज किया है। उक्त प्रकरण दर्ज होने के बाद में पूर्व युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने अपना एक बयान जारी करते हुए भाजपा की सरकार को आधे हाथों लेते हुए उनकी इस कार्यवाही से नहीं डरने की बात कही। पूर्व प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बताया, 10 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है और सरकार क्या करती है, जो लोग बलात्कारियों के खिलाफ रेपिस्टों के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हीं पर एफआईआर कर देती है। हम जब परसों पीड़िता के परिवार से मिलने गए तो इसी तरह से ये बोलकर कि हमने उसका नाम बोला, हमने उसकी आइडेंटिटी जाहिर करी, झूठे आरोप लगाकर मुझ पर और जीतू पटवारी जी पर एफआईआर कर दी गई। पर असलियत यह है कि नागर सिंह चौहान जी के परिवार वाले इस बलात्कार में उनका नाम आया है और एफआईआर में भी उनका नाम आया है। तो बलात्कारियों को, रेपिस्टों को बचाने के लिए हम पर एफआईआर करेगी ताकि हम न्याय की आवाज नहीं उठाए, न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़े। पर नागर सिंह चौहान जी को मैं बताना चाहूंगा कि आप कितनी भी एफआईआर करवा लें पर हम चुप बैठने वाले नहीं है और 10 साल की जो मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। अब बारी है छोटे से ब्रेक की। स्तन कैंसर का स्टेज 1 में या और भी पहले पता करने के लिए एक्सरे मोमोग्राफी की सुविधा महिलाओं के लिए महिला स्टाफ द्वारा। स्थान स्तन रोग क्लिनिक श्रद्धा हॉस्पिटल कारजू नगर रतलाम। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क सूत्र 8962647737 07412243777। गंभीर मरीज को इंदौर बड़ौदा ले जाने हेतु कार्डियक एम्बुलेंस किराए पर उपलब्ध। मॉनिटर ऑक्सीजन एवं ट्रॉली युक्त एसी एम्बुलेंस। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या नर्स भी साथ में जा सकते हैं। संपर्क सूत्र 9098985695 9039050603। रतलाम के रावटी थाना अंतर्गत ग्राम हरथल निवासी की बीती रात 3 वर्षीय पुत्री के साथ सो रहे पिता की अज्ञात आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। खास बात यह है कि मृतक युवक की खाट के समीप उसकी पत्नी और छोटा भाई भी सो रहा था, लेकिन वह अनभिज्ञ रहे। इधर परिजन द्वारा गांव के कुछ लोगों पर जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों के आरोप लगाने वाले संदिग्धों के अलावा संदेह के आधार पर मृतक की पत्नी व छोटे भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आक्रोशित परिजन शव लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे और सीबीआई जांच की मांग की। सीएसपी ने परिजनों को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर परिजन मृतक का शव लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। मृतक छोटू पिता लालू गरवाल, छोटी बेटी विद्या 3 वर्ष के साथ घर के बाहर खाट पर सोया था। समीप में दूसरी घाट पर पत्नी रेखा गरवाल 6 वर्षीय बेटे आदेश के साथ सो रही थी। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे अज्ञात आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर छोटू की हत्या कर दी। मौके पर ही छोटू की मौत हो गई थी। जिस जगह छोटू अपनी 3 वर्षीय पुत्री के साथ सो रहा था उसके पास में सरकारी मिडिल स्कूल है। प्रारंभिक जांच में हिरासत में लिए गए लोगों ने पूछताछ में बताया कि स्कूल के बरामदे में मृतक का छोटा भाई सोहन भी अलग खाट पर सो रहा था। रात में पत्नी बेटी विद्या को चादर उड़ाने के लिए उठी तो पति के सिर पर खून देख उसने शोर मचाया।
इसके बाद मौके पर परिजनों के अलावा अन्य ग्रामीण एकत्र हुए और उन्होंने वारदात की पुलिस को सूचना दी। रात में शव को रावटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं घटना के समय समीप में सो रहे पत्नी व मृतक के छोटे भाई सोहन पर भी संदेह होने पर पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत में थाने लेकर पहुंची। सीएसपी वारंगे के समीप आक्रोशित परिजनों ने मामले की सीबीआई से जांच की मांग की। सीएसपी वारंगे ने समझाया कि जो भी दोषी होगा उसी पर कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल में कल रात में एक युवक की हत्या हुई है। इस संबंध में परिजन आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आए थे। उनको समझाइश दी गई है कि किसी भी निर्दोष को आरोपी नहीं बनाया जाएगा और दोषी का जल्द से जल्द पता किया जाएगा। अभी तक इसमें पूछताछ जारी है, परिजनों से भी पूछताछ जारी है और इसका जल्दी खुलासा किया जाएगा। उनका ये था कि कहीं कोई निर्दोष इसमें आरोपी ना बन जाए, तो अच्छे से बारीकी से जांच करना उनकी एक डिमांड थी, जिसे अच्छे से सुना गया है और थाना प्रभारी को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया है। तो सभी तथ्यों को विचार करके और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का विशाल सम्मेलन रंगोली परिसर में आयोजित हुआ। इसमें लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान कर भाजपा को भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प लिया गया। रंगोली परिसर में आयोजित सम्मेलन में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि बहनों के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है, जिससे बहनों का सम्मान बढ़ा है। लाडली बहना योजना की राशि जब बहनों के खाते में आती है तो उससे उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। सामाजिक सरोकार की दृष्टि रखते हुए भाजपा नेतृत्व ने हमेशा महिलाओं के बारे में चिंतन किया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदिवासी समाज से एक हीरा खोज कर निकाला जो अनीता नागर सिंह चौहान है। यह काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। भाजपा ने महिला आरक्षण की व्यवस्था पार्टी के केंद्र में आने से पहले लागू की थी। मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि महिला मतदाताओं की जागरूकता रही तो जीत का एक नया रिकॉर्ड हम बनाएंगे। जो लाडली बहना का धन है, यह भी आपका अपना धन है, जो स्त्री धन के रूप में आपको मिलता है और निश्चित रूप से इस तरीके के उपक्रमों की कल्पना भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई पार्टी नहीं कर सकती है। आज का जो सम्मेलन है, ये निश्चित बता रहा है कि अगले समय में रामनगर से आपके प्रयासों से ही यहाँ पर निश्चित है, यही आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशीर्वाद रहेगा। आज हमारे रथयान से हम एक ऐतिहासिक मत से जिता करके भेजते हैं, तो रथयान के विकास को और गति देने में हमें सहयोग। सम्मेलन को निर्मला भूरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय आदि नेताओं ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनीता कटारिया, रतलाम विधानसभा प्रभारी सोना शर्मा, विधानसभा संयोजक मनोहर पोरवाल, सह संयोजक प्रहलाद राठौड़, पूर्व विधायक एवं भाजपा जिला महामंत्री संगीता चारेल, जिला महामंत्री निर्मल कटारिया, प्रभारी हरिराम शाह आदि भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा के जन्मदिवस पर पूर्व पार्षद श्रीमती मीना बग्गा द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई प्रेषित की। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश पारेख, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रजनीकांत व्यास, उपनेता प्रतिपक्ष कमरुद्दीन कचवाहा, जसपाल बग्गा, विजय कुमार उपाध्याय, मनोज खोईवाल, भाई सुरेंद्र जैन आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र एवं राज्य सरकार के ट्रेड यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से रैली आयोजित करते हुए नुक्कड़ सभा का किया गया आयोजन। नुक्कड़ सभा में श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर श्रमिक नेताओं ने सरकार को लिया आड़े हाथों। निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट द्वारा शहर में औचक निरीक्षण करने पर कार्य पर अनुपस्थित सफाई कर्मचारी एवं हाजिरी रजिस्टर में छेड़छाड़ मिलने पर एक निगम स्वास्थ्य कर्मचारी को किया निलंबित। स्वास्थ्य अधिकारी सहित 3 सफाई कर्मचारियों को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस।
रतलाम संसदीय क्षेत्र के जोबट क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका के साथ भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के परिजनों द्वारा किए गए दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष पर हुआ प्रकरण दर्ज। पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा, हम डरने वाले नहीं, पीड़िता को दिलवा कर रहेंगे न्याय। घर के बाहर अपनी बच्ची के साथ सो रहे पिता की कुल्हाड़ी मारकर की अज्ञात, समीप सो रही पत्नी को भी नहीं पता चला हत्या का। रावटी थाना पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी। परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगाने शव लेकर पहुंचे।